हेलो एवरीवन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी आई एस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल स्वागत है आपका प्रिलिम्स विशेष में जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक न्यू कैटेगरी ऑफ ई वीज़ा दैट इज़ ई एमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा एंड ये अफगान नेशनल्स के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको लेकर आई है क्योंकि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी टेंस तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट बात अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल या फिर आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल तो आपको ये सब फायदे मिल रहे हैं सबसे पहले तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा विद दी ऑप्शनल टेन परसेंट मिलेगा यूजिंग रेफरल कोड स्टडी आई जो कि है हमारे चैनल का नेम उसके साथ आपको एडिशनल टेन ऑफ मिलेगा ऑन प्लस जी एंड ऑप्शनल ओनली वाला जो है एंड आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है प्रिलिम्स की मेंस की एंड आल्सो ऑप्शनल की तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ये सब जो प्राइजेस हैं इनको आप देख सकते हैं एंड ऑफर एक्स एक्सटेंडेड ऑन पॉपुलर डिमांड ठीक है इसको एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर uh, डिमांड पर एंड इट विल एंड ऑन ट्वेंटी एट्थ ऑफ अगस्त तो इससे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं या आप देख सकते हैं ऑप्शन की टेस्ट सीरीज़ में आपको सेक्शनल फुल लेंथ दोनों मिल रहे हैं फिर फिल्म एंड मीन्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है तो आपको बेनिफिट होगा आप इसको देख सकते हैं वन ईयर सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो या टू ईयर प्लान ले रहे हो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो मीन्स तक वैलिड रहेगी तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी मिल जाते हैं पढ़ने के तो आप इसको भी ले सकते हैं एंड आपको यूज़ करना है कोर्ट स्टडी आई एस बस ये मत भूलना उससे आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है चलिए और देखो एवरी संडे ग्यारह बजे होता है यू पी एस सी कॉम्बैट अनकेडमिक कॉम्बैट सिक्सटी मिनट्स में आपको फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन करने होते हैं एंड यू कैन बी लकी टू गेट अ स्कॉलरशिप तो ज़रूर दीजिए इसको ऑल्सो प्रिलिम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी आपको समझ आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं न्यू बैचेस आप देख सकते हैं इन सब में से कोई भी आपको अगर आपके बेनिफिट का लगता है तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं ले सकते हैं उसको अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर या आप कुछ व्यूज़ देख सकते हैं एंड आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी जब जो एयरक्राफ्ट था वो चलने की कोशिश कर रहा था टेक ऑफ़ करने की कोशिश कर रहा था कैसे लोग बस कोशिश कर रहे थे कि कैसे ही वो उसके अंदर चले जाएं बैठ जाएं और अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएं तो अफ़ग़ानिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत टेंस है क्योंकि तालिबान ने जो पूरा एरिया है उसको कैप्चर कर लिया है ये आप देख सकते हैं यू मिलिट्री फोर्स का ये जो एयरक्राफ्ट था इसके अंदर कैसे लोग पैक्ड हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर कैसे भीड़ है कितनी सारी पॉपुलेशन वहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि बस कैसे वो बाहर निकल जाए एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं तालिबान ने गवर्नमेंट को एक्वायर कर लिया है एंड वो वहाँ का फ्लैग भी चेंज कर रहे हैं दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू चेंज द नेम एंड वो शर्या लॉ को उसके अंदर लाना चाहते हैं तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है अफगानिस्तान की इस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक न्यू कैटेगरी ऑफ वीज़ा Uh, वो सामने लेकर आए हैं फॉर दी अफ़गान नेशनल्स जो कि चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से बाहर आ जाए ठीक है और ये जो न्यू टाइप का वीज़ा है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प दी अफ़गान जिससे वो एस्केप कर सके आउट ऑफ द अफग़ानिस्तान और द प्रोसिक्यूशन बाय द तालिबान्स ठीक है इनिशियली इसकी जो वैलिडिटी होगी वो सिक्स मंथ्स तक वैलिड रहने वाली है एंड उसके बाद हो सकता है कुछ अपडेट है उसको भी हम आगे देख लेंगे देखिए यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है जो कि वीज़ा रिलेटेड जितने भी जो इश्यूज होते हैं उनको देखती है ठीक है तो उन्होंने ही ये डिसीजन लिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही ये डिसीजन लिया है इस ई एमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा को लाने का सामने एंड ये जो वीज़ा है ये जो फैसिलिटी है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सामने आई है अफगान नेशनल्स के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू एंड सिख के लिए है जो कि माइनॉरिटी में है ये अफगान नेशनल्स को हेल्प करने के लिए आई है बट हाँ ये है कि क्योंकि हिंदूज एंड सिख जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं वहाँ पे तो इसलिए उनको मदद करने की भी कोशिश करी जा रही है इसके थ्रू एंड दी एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड इन द न्यू दिल्ली ठीक है तो ये एक अपडेट है जो कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि ई एमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा इंडिया ने कौन सी कंट्री के लिए लॉन्च किया था या वो सामने लेकर आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई रियली होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ऐसे ही आप हमारे साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट ईवेंट आता है या कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कोई भी बात चल रही है न्यूज़ में है उसको आप कवर करते रहिए डू नॉट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में बाय